हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम सीएनसी की यूनिक श्रृंखला गुरुनीति कम एडवांस सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 8, और इसका टॉपिक है गैसीय स्टेट थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है एडवांस लेवल के, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के आसपास की सारी बातें हम करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ताकि इस टॉपिक से अगर इस बार या इससे आगे कभी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपके समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन जो है वो अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का है, जो जेईई एडवांस 2016 में आया है। यहाँ पर हम 2016 से 2020 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन जो है ये आपको बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, ओके, टेंपरेचर इज गिवन इन द थर्मल कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेंड आइसोथर्मली। भैया आप जो है क्वेश्चन में जो आपको वर्डिंग दी है, आप वर्डिंग को ध्यान में रखें, जैसे आइसोथर्मल है यानी प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल दिया है, फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm, यानी प्रेशर कांस्टेंट है और एक्सपेंड हो रही है 1 लीटर से 2 लीटर तक, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इन जूल पर केल्विन इज, आपको सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज पूछी है, जूल पर केल्विन में एंट्रोपी पूछी है। देखिए किसी भी प्रोसेस में एंट्रोपी निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये हमारे पास तरीका होता है। अब क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है तो टी वन और टी टू जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू अपने पास आएगा क्या, एन आर एल एन वी टू बाय वी वन, ठीक है। अभी ये मेरे पास जो आता है ये आता भी है डेल्टा सिस्टम, ये सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज आता है, लेकिन आपको इसमें पूछा क्या है, आपको इसमें पूछा भी है डेल्टा एस सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी में क्या रिलेशन होता है ये अभी अपन देखेंगे, लेकिन पहले अपन डेल्टा एस सिस्टम निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू मेरे पास आएगा भैया माइनस, इसको जो है वो 10 बेस पर ले जाता हूं तो 2.303 एनआर, और ये हो गया भैया लॉग 10 बेस पर वी टू बाय वी वन। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, तो ये आएगा भैया 2.303, एन की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, इसमें 1 मोल है तो एन इज गिवन एज 1, आर की वैल्यू जो है वो आपको पता ही है कितनी होती है भैया 8.3 होती है, और ये आ जाएगा भैया लॉग वी टू। फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना कर दिया 2 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना 1 लीटर, तो ये अपने पास जो है वो कितना आ जाएगा भैया, इनिशियल वी वन इज 1 और ये आ गया कितना 2, क्लियर है बात। अब भैया इसको सॉल्व करता हूं, जब लॉग 2 की वैल्यू आप 0.3010 रखोगे तो ये ओवरऑल अपने पास चीज जो है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस का 5.763। ये अपने पास एंट्रोपी चेंज आएगी किसके लिए, ये एंट्रोपी चेंज आया सिस्टम के लिए। अब क्योंकि प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि भैया डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ये किसके इक्वल होता है, ये जीरो के इक्वल होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो मेरे पास 5.76 आया, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आएगा, माइनस 5.76, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, एक छोटा सा फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, हालांकि जेई एडवांस में कम ही आता है, लेकिन फिर भी जो है ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे आपको बोल रखा है द डिफ्यूजन कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। एक चीज, कभी भी जो मीन फ्री पाथ या मीन स्पीड होती है, जैसे अगर मैं वी आर एम एस की बात करूं, तो आपको पता है कि वी आर एम एस जो है वो अपने पास होता है अंडर द रूट 3 RT/m, तो वी जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर द रूट टी के। अब आपको बोल रहा है कि जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है ना, ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है वो रूट टी के क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि भैया एक तरीके से डिफ्यूजन कांस्टेंट आर जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल आएगा हा? फिर आगे बोल रहा है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखो कि डिफ्यूजन की रेट इसके अलावा और किस पर डिपेंड करती है, तो आर प्रोपोर्शनल होती है भैया पी ए बाय अंडर द रूट एम, ठीक है, ये हमारे पास जो क्या होती है डिफ्यूजन की रेट है ना। तो यहां से आप बोल सकते हो कि देखो आर प्रेशर के भी प्रोपोर्शनल है और आर रूट टी के भी प्रोपोर्शनल है, तो ओवरऑल अपने पास यहां से रिलेशन आएगा कि आर प्रोपोर्शनल आएगा प्रेशर इनटू रूट टी, क्लियर है बात। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं भैया आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू
ये आ गया P1 by P2 और ये आ जाएगा under the root T1 by T2. Clear? तो यहाँ से देखना जरा कि the absolute temperature of ideal gas is increased 4 times and its pressure is increased 2 times. यानी कि प्रेशर को पहले मेरे पास मान लो डिफ्यूजन कांस्टेंट R1 था, फिर R2, आप इसको डिफ्यूजन की रेट मान सकते हो, ठीक है? P1 जो है वो P1 दिया है और P2 की वैल्यू जो है वो कितनी कर दी 2P1 under the root. T1 जो है वो आपको T1 दिया है और T2 की वैल्यू कितनी कर दी 4T1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये ओवरऑल हमारे पास आ गया 1/√4 का मतलब कितना आ गया भैया, ओवरऑल 4 हो जाएगा, रूट 4 का मतलब 2, तो मेरे पास ये आ गया भैया R1/R2 = 1/4, देन R2 = 4R1, यानी कि जो अपने पास एक तरीके से x की वैल्यू है ना वो पहले से कितनी हो जाएगी, मतलब जो नया रेट कांस्टेंट होगा या डिफ्यूजन कांस्टेंट होगा वो 4 गुना हो जाएगा पहले वाले का, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी x = 4, ठीक है? तो ये है अपना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस में, एक तरीके से गैस स्टेट से रिलेटेड है, पहले वाला जो है वो किससे रिलेटेड था, पहले वाला था थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखना जेई एडवांस 2017, तो यहां पर जो है वो क्वेश्चन आया है भैया थर्मोडायनेमिक्स का है, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट जो है वो एक एक अपन को पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एडवांस में जो है वो आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपकी थ्योरी और कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, है ना, अदरवाइज जो है वो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, तो मल्टीपल चॉइस में आपको सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, सारे एक एक पॉइंट चेक करना पड़ेगा। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, आपको बोला एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 और T2, उसको एक्सपेंड करवाया है प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 से P2 V2 T2 तक उसको एक्सपेंड करवा दिया। फिर आगे आपको बोला अंडर डिफरेंट कंडीशन द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, या आर, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, तो भैया कौन सा इसके लिए सही है, चेक करते हैं। पहला बोला द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 P1 V1 अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर P1, यानी कि जब इसे अनुक्रमणीय तरीके से P2 V2 से P1 V1 तक स्थिर दाब P के विरुद्ध दबाया जाता है तो गैस के ऊपर किया गया कार्य अधिकतम होता है। ये जिसको चेक करते हैं पर, ठीक है, तो देखो कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन ये आपको पता होना चाहिए, ये एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है, पीवी कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वही वर्क डन के इक्वल होता है। अब हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि मैं इसको क्या करवा रहा हूं, एक्सपेंड करवा रहा हूं, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक्सपेंड करवाऊंगा तो दो तरीके से करवा सकता हूं, एक तो मैं इसको करवा सकता हूं जैसे आइसोथर्मल है, ये ग्राफ जो है किसका है, आइसोथर्मल, एक तो मैं इसको करवा सकता हूं भैया रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ठीक है, दूसरा एक्सपेंडेशन आप करवा सकते हो, देखो यहां से यहां पर एक्सपेंड हो रही, दूसरा एक्सपेंड आप इसको करवा सकते हो आइसोथर्मल, ये बी ये पी, तो दूसरा आप करवा सकते हो इसको आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया भैया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो प्रेशर कितना है, इनिशियली प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, फिर जो है वो कर दिया कितना P2 और V2, तो यहां पर जो एरिया आएगा ना वो हमारे पास भैया जी एरिया जो है वो ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा, एरिया जो है वो अपने पास क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब एरिया जो है वो अपने पास ये हो गया, तो यही क्या हो गया भैया, वर्क डन हो गया, ठीक। और इस केस में अगर बात करें तो प्रेशर जो है वो पहले मेरे पास था कितना P1 V1, और फाइनल प्रेशर हो गया कितना P2 और ये P2, ठीक है। अब फाइनल प्रेशर जो है वो कितना P2 है, अभी मैं क्या करवा रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, तो आपको पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें पी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट प्रेशर कौन सा होता है, जो P2 होता है ना उसको कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, तो यहां पर P2 को कांस्टेंट प्रेशर लेना है और P2 के रेस्पेक्ट में जितना वॉल्यूम चेंज आएगा वो वर्क डन होगा, तो अभी हाल फिलहाल जो है वो ये अपने पास क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा, ठीक है, ये अपने पास W है। अब देखना कौन सा इनमें से कम है कौन सा ज्यादा है, तो क्लियरली आप देख पा रहे कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंडेशन का जो वर्क डन है वो अभी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, तो आपको बोल रहा है कि भैया P1 के विरुद्ध दबाया जाता है, अब ध्यान से देखो इसको जो है वो क्या बोल रहा है कि कंप्रेस किया गया है, एक्सपेंडेशन नहीं कंप्रेशन हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भैया कंप्रेशन का ग्राफ कैसा आएगा, अगर आप चाहते हो कंप्रेशन का ग्राफ, तो भैया एक तरफ तो अपने पास है
इधर V और इधर P, तो पहला तो ये तो है अपने पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक। तो कंप्रेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो भैया ऐसा आएगा, उल्टा आएगा, ठीक है, यानी लगातार मैं प्रेशर क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। यहां पर जो है वो अपने पास प्रेशर जो है वो इनिशियली जितना भी था, यहां पर फाइनल प्रेशर जो है वो मान लो P1 हो गया, है ना, P1 तक, एक एटीएम तक दबाया, या इसको छोड़ो आप प्रेशर कितना भी था आपको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो वर्क डन से मतलब है। तो वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल में जो है वो अपने पास ये वर्क डन होगा, ठीक। अगर मैं बात करूं भैया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल की, तो यहां पर देखना, यहां पर अपने पास जो है वो ये है भैया P फाइनल, ठीक है, ये अपने पास P इनिशियल और ये V इनिशियल, ये P फाइनल और ये V फाइनल। आपको फाइनल प्रेशर कितना करना है, 1 ATM करना है, मान लो यहां पर 1 ATM हो जाता है, तो फाइनल प्रेशर जो है वो उसके अगेंस्ट अपन क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो फाइनल प्रेशर के रेस्पेक्ट में आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो भैया चेंज इन वॉल्यूम कितना है, इतना है, ये वाला जो है वो अपने पास क्या आएगा भैया, वर्क डन आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इरिवर्सिबल में कंप्रेशन वर्क इरिवर्सिबल में ज्यादा होता है, एक्सपेंशन वर्क रिवर्सिबल में ज्यादा होता है, ये यहां से कंक्लूजन निकलता है। तो एक तरीके से आप इसको देखो जरा कि द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन द कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली, ठीक है भैया, उसको कंप्रेस किया है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1, वो 1 ATM जो है वो नहीं लिया गया, P1 ही लिया गया, ठीक है। तो भैया ये सही बात है, क्योंकि इसको इरिवर्सिबली हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन वर्क इरिवर्सिबल का क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है द वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 to V2 under adiabatic condition as compared to that expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal condition। बोल रहा है कि भैया एक तो जो है आपको इसको V1 से V2 तक क्या करना है, expand करना है, condition ऐसी है भैया जी, देखो isothermally ये P और ये V, gas को V1 से V2 तक आपने क्या कर दिया, expand कर दिया। तो एक तो इसको जो है isothermal से compare करो, isothermal, ठीक है। तो जब आइसोथर्मल से कंपेयर करते हो तो हमारे पास हम बोलते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, NRT। यहां पर P जो है वो अपने पास हो जाएगा भैया NR और NRT बाई 1/V। तो हमारे पास जो इसका स्लोप है ना, स्लोप ये कितना हो जाएगा, NRT के इक्वल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। फिर देखो कि अगर अब इसको एडियाबेटिकली आप कंप्रेस करोगे, तो भैया एडियाबेटिकली जब कंप्रेस करते हैं ना, तो सेम टू सेम ये V1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, V2 तक गया, लेकिन एडियाबेटिक का जो ग्राफ आता है वो कहां आता है, वो थोड़ा सा नीचे आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो स्लोप है, यहां पर आप स्लोप बताओगे कितना, dP/dV, और एडियाबेटिक में स्लोप जो है ये स्लोप माइनस dP/dV, ये तो आता है आइसोथर्मल में, चाहो तो ऐसे निकालो, और एडियाबेटिक में जो है ये स्लोप आता है γP/V, है ना। तो यहां पर गामा का जो फैक्टर है ना, उसकी वजह से स्लोप जो है वो थोड़ा सा क्या आता है, नीचे की तरफ आता है, स्लोप ज्यादा आता है, और स्लोप ज्यादा आने की वजह से ग्राफ जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो अब अगर दोनों का एरिया आप कवर करोगे तो भैया आपको एडियाबेटिक वाले में कम एरिया मिलेगा, आइसोथर्मल में ज्यादा एरिया मिलेगा, इसलिए जो है वो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, जो कि आपको बोल रहा है कि द वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली From V1 to V2, ठीक है, adiabatic में कम, isothermal में ज़्यादा, ये बोला जाता है। अगर आपको बोला, if the expansion is carried out freely, expansion में W कितना होता है? Zero होता है ना? क्योंकि external pressure कितना होता है? Zero होता है, ठीक है? It is simultaneously both isothermal and as well as adiabatic। बिल्कुल भैया, ये जो है वो अगर free expand करवाओगे, isothermal भी हो सकता है और adiabatic दोनों साथ साथ होते हैं, कैसे? फर्स्ट लॉ आपको कहता है डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस W अपने पास होता है, ठीक है। तो अगर अपने पास फ्री एक्सपेंशन है तो W क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब अगर मेरे पास एडियाबेटिक कंडीशन है तो अपने पास Q क्या हो गया, जीरो। तो मैं इसको फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक मानू तो डेल्टा E क्या आएगा, जीरो। और फिर डेल्टा E इज इक्वल टू अपने पास होता है NCV डेल्टा T। तो भैया यहां पर भी, क्योंकि अगर मैं इसको आइसोथर्मल वालू तो डेल्टा टी जीरो और डेल्टा ई भी जीरो, यानी दोनों ही बातें फर्स्ट लॉ को क्या कर रही है भैया, सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब सही, ठीक है। स्टेटमेंट जो है अपना क्या है, सही है। तो यानी कि अपने पास पहला भी सही है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। आगे आपको बोला द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली विद T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है। आगे एंड पॉजिटिव It expanded reversibly under adiabatic condition with T1 not equal to T2, ठीक है। भैया देखो,
कि आपको बोला है कि जब T1 T2 के इक्वल है तब तो जो है वो इसकी कितनी है इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा ई कितनी है जीरो है। रिवर्सिबल इसको क्या कर दिया एक्सपेंड कर दिया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है यहां जीरो मान लेते हैं। फिर आपको बोला पॉजिटिव है तब इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। अभी मैंने कहा था कि फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए डेल्टा ई कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए ना कि पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये वाली चीज जो है वो क्या है अपने पास गलत है। तो ओवरऑल अपने पास कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो गया भैया ए बी और सी, ये तीनों स्टेटमेंट कैसे हो गए सही हो गए। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों अच्छे समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास है द स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेट करता है, तो जेई एडवांस 2017 में ही आया हुआ है। अब आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड एट 298 केल्विन आर। कार्बन ग्रेफाइट के लिए डेल्टा जी फॉर्मेशन आपको दे रखा भैया कितना जीरो, और वैसे होता भी कोई भी एलिमेंट अगर अपने थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में है तो उसके लिए हमेशा डेल्टा जी फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड डेल्टा जी फॉर्मेशन कितना होता है जीरो होता है, ठीक है। अगला फिर आपको बोल रखा है कि डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ डायमंड ये आपको दे रखा है कितना भैया 2.9 किलो जूल पर मोल, है ना। डायमंड के लिए डेल्टा जी फॉर्मेशन जो है वो 2.9 किलो जूल पर मोल दिया है, चलो अच्छी बात है। अगला आपको जो है वो ये बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेट मींस द प्रेशर शुड बी 1 बार एंड सब्सटेंस शुड बी प्योर एट ए गिवन टेम्परेचर। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड ठीक है रेड्यूस्ड इट्स वॉल्यूम बाय 2×10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है आपको जो है एक तरीके से क्या दे दिया भैया इतना वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है जब ग्रेफाइट जो है वो डायमंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक तरीके से डेल्टा वी की वैल्यू आपको दी है 2×10⁻³, ठीक है -6 मीटर क्यूब पर मोल। इफ कार्बन ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डायमंड आइसोथर्मली एट 298 केल्विन आपको बोल रहा है द प्रेशर एट विच कार्बन ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डायमंड, आपको वो प्रेशर पूछना चाहता है जब कार्बन ग्रेफाइट जो है वो कार्बन डायमंड के साथ क्या आ जाए इक्विलिब्रियम में आ जाए। भैया जी हमारे पास कंडीशन ऐसी है देखो कार्बन ग्रेफाइट है ना ये आना चाहता है इक्विलिब्रियम में कार्बन डायमंड के साथ, ये अपने पास कंडीशन है ठीक। अब इक्विलिब्रियम पर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए डेल्टा जी जो है वो कितना रहेगा जीरो रहेगा, और भैया इस प्रोसेस में जो अपने पास वर्क डन होगा आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी होता क्या है। डेल्टा जी होता है भैया वो एक तरीके से वो सिस्टम की वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो अपने पास इक्वल होगा भैया किसके चेंज इन गिव्ड फ्री एनर्जी, गिव्ड फ्री एनर्जी के इक्वल। अब भैया क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो गिव्ड एनर्जी ग्रेफाइट की गिव्ड एनर्जी में क्या आएगा कमी आएगी, सिस्टम की गिव्ड एनर्जी में कमी आएगी, तो ये जो है वो अपने पास डिक्रीज इन गिव्ड फ्री एनर्जी के इक्वल होगा डब्ल्यू, ठीक। तो भैया डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास होता क्या है माइनस पी एक्सटर्नल और ये आता भैया डेल्टा वी, ये अपने पास डब्ल्यू होता है और ये इक्वल होगा भैया नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी के। तो अगर मैं या अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट की, तो अगर मैं जो है वो क्या कर रहा हूं भैया मैं प्रेशर निकालना चाहता हूं तो मेरे पास डेल्टा वी होना चाहिए, और अगर मैं कैसे भी करके इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लेता हूं तो मेरे पास सारी चीजें आ सकती है, तो डेल्टा जी नॉट निकालते हैं। इसके लिए आपको डेटा देखना देखना जरा कि कार्बन ग्रेफाइट के लिए डेल्टा जी नॉट तो जीरो है और कार्बन डायमंड के लिए 2.9 किलो जूल है, ठीक है। तो भैया किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट जो होता है रिएक्शन के लिए ये हम निकालते हैं भैया टोटल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे निकालते हैं। तो प्रोडक्ट साइड तो आपको जो है डायमंड दे रखा है डायमंड का 2.9 तो ये अपने पास आ जाएगा कितना भैया 2.9 और इसका कार्बन ग्रेफाइट का कितना है ये वाली चीज जो जीरो है स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो होती है, तो रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई 2.9 किलो जूल पर मोल, ये जो है वो क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपको तो पी निकालना है तो पी की वैल्यू पी एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी कितनी ये आ जाएगी भैया डेल्टा जी 2.9 अब ये किलो दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा वी कितना आ रहा था डेल्टा वी आ रहा था वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 2×10⁻⁶, ठीक है, और ये जो है वो किसमें आएगा मीटर क्यूब में आएगा,
अब भैया देखना जरा नीचे आपको कुछ बेसिकली ये सारी चीजें दे रखी है, 1 पास्कल इक्वल टू 1 केजी पर मीटर क्यूब, या बार जो है वो 10 टू द पावर माइनस 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। तो मैं काम करता हूं, आप जो है वो यहां पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रखो, ठीक है, ये अपने पास डेटा आ गया। अब इसको सोल्व करता हूं, देखो जरा कि इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 10 आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये जो कितना आएगा, ये आएगा 14, ठीक है, कितना 14.5, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर कितने बच गए, 10 टू द पावर 8, ठीक, 14.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ये अपने पास प्रेशर की यूनिट आ गई एक तरीके से, लेकिन ये आएगी पास्कल में। अब बार में बदलना है तो 10 टू द पावर 5 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 टू द पावर 3, यानी ये आ जाएगा 14,500 बार, ठीक। अब ये अपने पास आंसर आ रहा है, लेकिन अब इसमें आंसर जो दे रखा है ना वो अपने पास देखो कौन सा सबसे पास है, ये है 14,501। ये एक का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पर 1 बार जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, एग्जैक्टली जब लोगे तो लेंगे 1.031, है ना, 1.013 बार इंटू, मतलब आप इसको एग्जैक्टली 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 लोगे ना, तो अपने पास आंसर जो है वो ये वाला जो भी दे रखा है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों अच्छे समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन है, ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज शोन बिलो, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, और ये ग्राफ जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस का है। आगे बोल रहा है, हियर पी वी एंड टी आर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली, द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्यू डब्ल्यू एच एंड यू आर हीट वर्क एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली। तो आपको बेसिकली बोलना चाहता है कि भाई द करेक्ट ऑप्शन इज और आर कौन सा सही है। तो भैया चेक करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा ई डेल्टा यू बी सी, यानी कि ए से सी प्रोसेस में जितना हीट का चेंज हुआ है वो बी से सी प्रोसेस में जितना इंटरनल एनर्जी चेंज आता है उसके इक्वल है, और ए बी का जो वर्क डन है डब्ल्यू ए बी ये बराबर है पी टू वी टू माइनस वी वन के। चेक करते हैं कि, तो भैया सबसे पहली चीज तो ए बी का वर्णन में निकालूंगा, तो ए बी को देखो ध्यान से, ए से बी जो प्रोसेस है ये कैसा है, अपने पास आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइसोथर्मल है, और कैसा है, रिवर्सिबल है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो गया, क्लियर बात। तो अब इस केस में जो डब्ल्यू निकालने का तरीका तो हमारे पास ये रहता है -2.303 nr log एन आर टी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास होता -2.303 nr t log वी टू बाय वी वन, ये हमारे पास तरीका होता है वर्क निकालने का आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, जबकि इसने दे रखा है डब्ल्यू ए बी इक्वल टू पी टू वी टू माइनस वी वन, तो ये चीज क्या होगी, गलत होगी। मैं इस ऑप्शन को भी चेक करता हूं कि क्या ये वाली चीज जो है वो सही है कि गलत है। तो भैया जी एक चीज देखना कि ए से सी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ए से सी प्रोसेस जो है ये हो गया आइसोकोरिक, ठीक है, अगर मैं सी से बी प्रोसेस या बी से सी प्रोसेस की बात करूं तो ये वाला प्रोसेस अपने पास हो गया आइसोबैरिक, ठीक है, और अगर मैं बात करूं भैया इस प्रोसेस की बी से ए की तो ये वाला प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल। तो तीन अपने पास यहां पर प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल, ठीक है। अब देखना कि ए से सी अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो भैया आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा ई इज इक्वल टू हम बोलते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो क्या हो गया जीरो, तो यानी डेल्टा ई ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्यू ऑफ ए सी मैं बोल सकता हूं, ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस में जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो सारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है। अब भैया देखना कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर मैं पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालूंगा यानी डेल्टा ई ए सी बी ए, तो ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी डेल्टा ई ए सी, ठीक है, प्लस डेल्टा ई ये इक्वल होगी भैया सी बी प्लस डेल्टा ई बी ए, इसके इक्वल होगी, और क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन होता है इसलिए यहां पर ये वाले टर्म क्या हो जाएगी जीरो, और इसके साथ ही आप देखो जरा बी ए ये वाला जो है वो अपने पास यहां टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो,
तो ये जीरो हो गया। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेल्टा ई ऑफ ए सी ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा ई ऑफ सी बी, ऐसा बोल सकता हूं। और भैया नेगेटिव डेल्टा ई सी बी है तो यहां पर जो है अगर मैं इसको बी सी उल्टा प्रोसेस उल्टा कर दूंगा तो नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा ई ऑफ ए सी इज इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ बी सी, मैं ऐसा बोल सकता हूं। यानी कि यहां से यहां पर जितना इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा यहां से यहां पर उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा, और यहां से यहां पर जो इंटरनल एनर्जी चेंज आता है वो क्यू ए सी के इक्वल है। यानी मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा ई बी सी, बोल सकता हूं ऐसा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन ये वाला जो है वो क्या हो गया गलत। नीचे वाले में आते हैं। अब डब्ल्यू बी सी पी टू वी टू माइनस वी वन, ठीक है चेक करते हैं भैया। देखो जरा कि डब्ल्यू बी सी आपको बोल रखा है ये बी से सी, तो ये कौन सा आइसोबैरिक प्रोसेस है। यहां पर टेम्परेचर पी टू है यहां पर भी पी टू है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम डब्ल्यू जो है वो निकालते हैं कैसे माइनस पी एक्सटर्नल, और पी एक्सटर्नल है कितना पी टू, और चेंज इन वॉल्यूम वी टू माइनस वी वन, ये यहां पर डब्ल्यू होता है। तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या आ गई ठीक आ गई। अगला क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी, अगेन बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही काम आपको करना है जैसा अभी अपन ने डेल्टा ई के लिए किया था। क्यू बी सी भैया यहां से यहां पर जितना हीट का चेंज आता है वो डेल्टा एच ए सी के इक्वल है, तो ए से सी में जितना डेल्टा एच आएगा तो ये अपने पास देखो डेल्टा एच ए सी प्लस डेल्टा एच, देखो मैं क्या बोलूंगा सी बी प्लस डेल्टा एच बी ए, ये इक्वल होगा भैया डेल्टा एच पूरे साइक्लिक प्रोसेस ए सी बी ए। अब क्योंकि ये स्ट्रेट फंक्शन है ये जीरो हो जाएगा, और भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये वाला भी बी ए भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच ए सी इज इक्वल टू डेल्टा एच बी सी, है ना, ये दोनों जो है वो क्या आएंगे इक्वल आएंगे। यानी इस प्रोसेस में जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उतना ही एंथैल्पी चेंज बी से सी के दौरान आएगा। तो अब इसने बोला कि एसी में जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, भैया एसी में जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही हीट जो है वो उतनी ही इंटरनल एनर्जी चेंज जो है या उतनी ही डेल्टा एच होगी किसमें बीसी में, आपको बोलना चाहता है सॉरी बीसी में जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उतना ही इंटरनल चेंज एनर्जी चेंज आएगा किसमें एसी। तो अब बीसी में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, दोनों देखो इक्वल आएगी। अब भैया देखना जरा कि ये बीसी जो है वो प्रोसेस कैसा है आइसोबैरिक, और हम बोलते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम को दी गई हीट ही किसके बराबर होती है डेल्टा एच के बराबर होती है। यानी यहां पर सिस्टम को यानी क्यू बी सी ये इक्वल होगा डेल्टा एच बी सी के, है ना, ये तो एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये किसके इक्वल आएगा क्यू बी सी के इक्वल आएगा, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है ठीक है। अगला चेक करते हैं भैया आपको दे रखा है डेल्टा एच सी ए इज लेस देन डेल्टा ई सी ए या डेल्टा यू सी ए, भैया सी ए प्रोसेस ये सी ए है ना, और दोनों का डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन आपसे पूछा है। तो भैया अपने पास किसी भी गैस के लिए आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी, ये हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू होती है। और हम बोलते हैं कि किसी भी गैस के लिए नॉर्मली सी वी इज ग्रेटर देन सी पी, तो यहां से ये रिलेशन जो है वो ठीक जाता है कैसे कि भैया क्योंकि सी वी की वैल्यू ज्यादा है सी पी से, तो बेसिकली जो है डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा एच से क्या आएगी ज्यादा ही आएगी। ये वाला रिलेशन जो है वो अपन ने अभी फर्स्ट ऑप्शन में जो है चेक किया ही था, तो इसका मतलब बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। फिर जो क्यू बी सी इज इक्वल टू क्यू ए सी, भैया ये तो जो है वो यहाँ पर ये तो ठीक है इतना तो, है ना, अमन ने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये वाली चीज जो है वो क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, ये वाली चीज उल्टी होगी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। इसमें केवल दो ऑप्शन सही होंगे बी और सी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर कहीं कोई किंतु परंतु है तो भैया एक बार क्वेश्चन को रिवाइंड करके दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए क्लोज टैंक हैज टू कंपार्टमेंट्स ए एंड बी बोथ फिल्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आइडियल मानना है। क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस 2018 जेईई स्टेट से रिलेट करता है। द पार्टीशन सेपरेटिंग द टू कंपार्टमेंट्स इज फिक्स्ड एंड ए परफेक्टली हीट इंसुलेटर, अभी जो है इसको क्या कर रखा है भैया फिक्स कर रखा है और ये हीट इंसुलेटर है। इफ द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय न्यू पार्टीशन व्हिच कैन स्लाइड, तो अब जो है उसको हटा के जो है उसको स्लाइडिंग कर दिया गया। अब जैसे स्लाइड करोगे तो क्या होगा कि इधर पांच एटीएम है तो पांच से ही किधर खिसकेगा इस तरफ खिसकेगा, इसी तरफ क्यों खिसकेगा इसलिए खिसकेगा क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है। फिर आपको आगे बोल रहा है इज रिप्लेस्ड न्यू पार्टिकल कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट बट डज नॉट अलाउ द गैस
टू लीक अक्रॉस, भैया बेसिकली गैस इधर से इधर मिक्स नहीं होगी। तो आपको बोला द वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम इज, भैया धीरे धीरे ये इधर खिसकेगा और एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो रुकते ही सिस्टम किसमें आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब आपको जो है वो नया वॉल्यूम निकालना है। इनिशियली हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि भैया ये तो है ए और ये है हमारे पास बी, इसका प्रेशर जो है वो दे रखा है कितना 5 bar, वॉल्यूम जो है इसका 1 और टेम्परेचर यहां पर दे रखा है कितना 400। इसका प्रेशर जो है वो आपको दे रखा है कितना, इसका प्रेशर आपको दे रखा है 1, वॉल्यूम 3 और टेम्परेचर 300। प्रेशर 1, वॉल्यूम 3 और टेम्परेचर जो है वो कितना है 300 केल्विन। अब देखो कि अभी इनिशियली अगर मैं इधर मोल निकाल लूं तो एन ए मोल इक्वल मोल पीवी इक्वल टू एन आर टी लगाओ तो एन इक्वल टू पीवी बाई आर टी, तो 5 बाई आर और टी कितना है 400। एन बी अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर पी वी बाय आर और ये टेम्परेचर कितना है 300। ठीक है, अब भैया देखना है कि टोटल मोल गैस लीक नहीं हो रही है तो ए में मोल इतने रहेंगे और बी में इतने रहेंगे, मोल तो इतने रहेंगे। हमारे पास अभी इसका प्लस इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो अपने पास कितना है भैया, टोटल वॉल्यूम है कितना 4 m³। ठीक है, अभी सेकंड केस में जब इस पिस्टन को एक तरीके से फ्री कर दिया तो पिस्टन जो है वो इधर से इधर आया, मान लो इसका नया वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया एक्स, है ना, न्यू वॉल्यूम ऑफ ए ये अपने पास हो गया x, तो अब b का नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो टोटल 4 है, 4 में से इसका x है तो इसका वॉल्यूम ऑफ b कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ b ये कितना है, ये हो जाएगा भैया 4 - x, b का वॉल्यूम हो जाएगा, ले आ बात। अब देखो कि भैया दोनों का वॉल्यूम मेरे पास निकल के आ गया, एक का x एक का 4 - x। ठीक है, अब मुझे पता है कि भैया टोटल वॉल्यूम जो है ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं इस तरफ और इस तरफ दोनों पर अलग अलग PV इक्वल टू NRT लगा सकता हूं, या मैं इस तरफ के लिए इस साइड के लिए बोल सकता हूं कि PA प्रोपोर्शनल होगा किसके, TA के, है ना, और ऐसे ही PB जो है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, TB के। देखो मोल A के मोल कांस्टेंट है, A के मोल कांस्टेंट है तो भैया मोल जो है वो इस टर्म में नहीं आएगा, B में भी मोल कांस्टेंट है तो यहां पर जो है वो प्रेशर जो होगा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, और इन दोनों इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूं PA by PB is equal to TA by TB, मैं ऐसा एक्सप्रेशन बना सकता हूं। तो अब देखो जरा कि A का प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर ऑफ A, प्रेशर इज इक्वल टू होता है एन ए आर टी ए, ठीक है, डिवाइड बाय हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भैया वी ए ए है, और प्रेशर ऑफ बी इसकी तरफ तो ये आ जाएगा एन बी आर टी बी डिवाइड बाय बी बी, क्लियर है बात। तो एक काम करता हूं मैं यहां पर वैल्यू रख देता हूं प्रेशर की, तो ये तो आया एन ए आर टी ए डिवाइड बाय बी ए इंटू, ये आया अपने पास क्या एन बी आर और ये टी बी और डिवाइड बाय बी बी चला जाएगा ऊपर, इधर है भैया टी ए बाय टी बी, तो टी बी से टी बी कैंसिल, टी ए से टी ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक्सप्रेशन अपने पास आ गया एन ए अपॉन बी ए इंटू बी बी अपॉन एन बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1। ये हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन आ रहा है। अब मैं जो है वो एन ए एन बी और बी ए बी बी की वैल्यू रख देता हूं, है ना, या इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, है? तो अब वैल्यू रखता हूं तो एन ए की वैल्यू तो है कितनी 5 r/400, ये हमारे पास इक्वल होगा किसके, ये तो हो गया एन ए अपॉन एन बी, तो एन बी से इसको डिवाइड करूंगा, तो एन बी से डिवाइड करूंगा तो ये एन बी की वैल्यू है 3 r/300 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हमारे पास बी ए की वैल्यू है x और ये बी बी कितनी हो गया, कितना हो गया 4 - x हो गया, मुझे x की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है, सोल्व कर लेते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा देखो जरा कि 4x इज इक्वल टू 20 - 5x, ये एक्सप्रेशन आ गया, तो यहां से x इक्वल टू आ गया कितना 20/9 और 29/9 का मतलब होता है 2.2।
2 2, ठीक है ना। तो ये अपने पास ओवरऑल इसकी वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, यानी जैसे ही आप इसको हटाओगे एक तरीके से इसको फ्री करोगे, ये वाला इधर खिसक जाएगा, इसका नया वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 2.22, और इसका नया वॉल्यूम हो जाएगा 4 - 2.22, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो ये देखो कि क्वेश्चन में जो है वो ये जो लाइन बोल रखी है इसको काम में लेते हैं कि एलन के एट T1 टेम्परेचर, ठीक है, यानी मैं इसको एलन K1 बोल सकता हूं, T1 टेम्परेचर डिवाइड बाय एलन K2, और ये जो है वो ज्यादा है किससे, T2 बाय T1 से, ठीक है। अब यही से जो है वो मैं एक एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं, यहां से मैं ऐसा बोलूंगा कि भैया देखो T1 एलन K1 इज ग्रेटर देन T2 एलन K2, क्लियर बात। तो भैया एक रिलेशन हम बोलते हैं गिव जो फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln K, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अपन बोलते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन को दोनों तरफ एक तरीके से R से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास RT1 ln K1 > RT2 ln K2 हो जाएगा, है ना। और इस नेगेटिव को इधर ले आओ तो नेगेटिव डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा RT ln K, है ना। तो यहां पर मैं इसको जो है वो क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं नेगेटिव डेल्टा जी नॉट 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा जी नॉट 2, नेगेटिव डेल्टा जी नॉट 2, ठीक है। तो अब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा एच नॉट -T ∆S0, ठीक। तो इसको जो है मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच नॉट माइनस, ठीक है, और इसको मैं ऐसा लिखूंगा T1, और प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन नेगेटिव डेल्टा एच नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस T1 डेल्टा एस नॉट, क्लियर है बात। डेल्टा एच नॉट कैंसिल, तो हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है T1 डेल्टा एस नॉट, ठीक है, इसको जो है मैं ऐसा लिख देता हूं कि T1 डेल्टा एस नॉट इज ग्रेटर देन T2, ये एक्चुअल में T2 है, T2 डेल्टा एस नॉट, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक। अब देखना कि आपने कहा कि T2 greater than T1 आ रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि T2 greater than T1 है, तो सोचो जरा कि T2 को T1 से ज्यादा करने के लिए, है ना, मुझे डेल्टा एस क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि नेगेटिव रखना पड़ेगा। यहां पर तो अगर दोनों को इक्वल कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो T1 greater than T2 आ जाएगा, और T2 को मेरे को क्या करना है, ज्यादा करना है, तो इसके लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो पहला रिलेशन आ गया भैया डेल्टा एस नॉट जो है वो तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा रिलेशन देखो कि यहां से आप ये देख रहे हो कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, T2 ग्रेटर देन T1 है, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे तो यहां पर जो ln K की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, इनवर्स चल रहा है ना, तो ln K क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये तो एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो गया, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो यानी डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक, दोनों के दोनों नेगेटिव। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा एच नॉट -T ∆S0। तो भैया देखो जरा यहां पर यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -∆H0 + T ∆S0, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। नॉर्मली जब भी हम रिएक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली T ∆S0 की वैल्यू इससे क्या लेते हैं, कमी लेते हैं। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी, तो ∆G0 भी कैसा लेंगे हम, स्पॉन्टेनियस ही मानेंगे क्योंकि अगले ने बोला है कि रिएक्शन हो रही है। तो तीनों की वैल्यू जो है वो कैसी आनी चाहिए भैया, नेगेटिव ही आनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है डेल्टा एच नॉट नेगेटिव, डेल्टा एस नॉट नेगेटिव, ये ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो डेल्टा एच नॉट को पॉजिटिव बता रहा है तो ये गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है वो डेल्टा जी को नेगेटिव, डेल्टा एस को नेगेटिव, ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन डेल्टा एस को पॉजिटिव बता रहा है तो ये क्या है, गलत। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS एंड एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस एट इक्विलिब्रियम। देखो जरा इक्विलिब्रियम पर जो है वो कौन सा सही है, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम कितना बताते हैं, 3/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और VRMS या URMS जो होता है ये हमें पता है कितना होता है, अंडर द रूट 3 RT / m, यानी कि v जो है ये प्रोपोर्शनल होता है रूट t। हमारे पास ये रिलेशन आता है,
तो पहला आपको बोल रहा है कि वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। बिल्कुल भैया, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास या तो रूट टी के प्रोपोर्शनल बोल दो या फिर वी जो है वो वन बाय रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दो, है ना, या रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दो, ये ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि ई एवरेज यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है एट गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मोलर मास। बिल्कुल सही बात, ये जो है वो KT है वो तो है ना, तो ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो बेसिकली जो है वो ये भी ठीक है, उसको KT बोल दो या RT बोल दो। जब हम KT बोलते हैं तो K की वैल्यू हो जाती है R upon N, है ना। अगला VRMS is double when its temperature increase 4 times। भैया टेम्परेचर को 4 गुना करोगे तो ये डबल होगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि मैं बोल सकता हूँ V1 by V2 is equal to under the root T1 by T2, तो V1 की वैल्यू V1, ये V2, और टेम्परेचर को जो है वो कितना कर दिया 4T1 कर दिया, और ये T1 ये कैंसिल, और 1/√4 की वैल्यू हो गई 1/2, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2V1। इसका मतलब जो है ये डबल हो रहा है, तो VRMS डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 times, ये भी ठीक है। ई एवरेज यानी कि एक तरीके से एनर्जी इज डबल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज 4 times। एनर्जी जो है वो डबल नहीं होती है, अगर टेम्परेचर को आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है, टेम्परेचर को आपने 4 गुना किया है तो एनर्जी जो है वो भी क्या होगी भैया 4 गुना होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चूज द रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर विच द स्टेटमेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि पूरी हीट ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो ये अपने पास होती है भैया एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट ऑफ इट्स एलिमेंट। देखो कि भैया जब भी 1 mole हम बनाए किसी भी सब्सटेंस के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करना चाहते हो, उस सब्सटेंस का 1 mole आपको बनाना है, और वो 1 mole बनाना है उसके एलिमेंट्स की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से। जैसे मैं बात करूं कि भैया CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, तो भैया CH4 का 1 mole बनाना है किस किस से, इसका एलिमेंट कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट होती है कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इन दोनों से जब आप CH4 बनाओगे और इसका 1 mole बनाओगे तो जितनी एंथैल्पी में चेंज आएगा यानी इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है वही अपने पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 के बराबर, ठीक है। तो यही आपको चेक करना है, यानी कि वो रिएक्शन सही है, इसमें वो रिएक्शन वो आंसर जाएगा जहां पर 1 mole बन रहा होगा और वो एलिमेंट वो कंपाउंड वो सब्सटेंस अपने एलिमेंट्स की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बन रहा होगा, तो ये यहां पर 1 mole बन रहा है। अब ये देखो जरा कि एक तो कार्बन है एक हाइड्रोजन है, कार्बन की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट अभी कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड बताई थी, इसने कार्बन गैस दे रखी है। इस रिएक्शन में जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसको मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 नहीं बोल पाऊंगा। फिर यहां पर देखना, मैंने इसका ओजोन का 1 mole बनाया और इसके एलिमेंट की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाया, एलिमेंट कौन सा है इसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट होती है O2, तो इसको O2 से बनाया 1 mole बनाया, इस रिएक्शन में जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 को डिफाइन करेगा। अगला जो है वो आपको देखा है, देखो H2O लिक्विड, इसका आपने कितना मोल बनाया, 2 mole बनाया ना, 1 mole बनाना है थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है, ये नहीं हो सकता। फिर देखो कि SO2 का 1 mole बना रहा हूं, ठीक है, इसके एलिमेंट कौन कौन से, सल्फर और ऑक्सीजन, तो सल्फर जो है वो हो गया अपने पास कौन सा, S8, सल्फर की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट होती है कौन सी, S8 रोम्बिक, तो ये S8 दे रखा है, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट है, सॉलिड में होता है। ऑक्सीजन की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट होती है कौन सी, O2 गैस, ठीक है। तो ये वाला जो है वो थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बन रहा है, 1 mole बन रहा है, तो ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा और ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 JEE एडवांस 2020।
अगेन जो क्वेश्चन आया है वो है भैया एक तरीके से गैसेस स्टेट से रिलेट करता है। देखिएगा कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस इज एज पर द फिगर शोन बिलो देन द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल द एवरेज एंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको एक ग्राफ दे रखा है। अब ये जो ग्राफ है इसको ध्यान से देखो, ये ग्राफ जो दिया है ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सिमेट्रिकल ग्राफ है। तीन तरीके के ग्राफ होते हैं यहां पर, जो एक तरीके से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड, इनके बीच में तीन तरीके के ग्राफ होते हैं। एक तो होता है भैया रेस्ट्रो, ठीक है, एक अपने पास होता है सिमेट्रिकल, और एक होता है जो नॉर्मल ग्राफ अपन बोलते हैं, नॉर्मली जो ग्राफ होता है। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं देखो, रेस्ट्रो जो आता है अपने पास बेसिकली इधर तो आता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इधर आता है अपने पास स्पीड। ठीक है, तो हम जो ग्राफ पढ़ते हैं रेस्ट्रो वाला जो है कुछ अपने पास इस तरीके का होता है, हां इसकी बात हम नॉर्मली नहीं करते। और फिर जो है वो एक हमारे पास जो है वो ये सिमेट्रिकल आता है, तो सिमेट्रिकल वाला जो है वो ठीक जैसा दे रखा है ऐसा का ऐसा आता है। ठीक है, और एक होता है जिसकी बात हम नॉर्मल वाले की करते हैं, तो नॉर्मल वाला जिसको हम बोलते हैं भैया बेल शेप होता है ना, और ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होता है। ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंस तो होता है, लेकिन ये अपने पास नॉर्मल वाला ग्राफ है वो हम कुछ इस तरीके का पढ़ते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये तो अपने पास क्या होता है भैया VMP होता है, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड होता है। फिर जो है इधर जो है वो अपने पास क्या आता है, ये होता है भैया VRMS होता है, और इनके बीच में कहीं पर हम बोलते हैं VAverage आता है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन जो सिमेट्रिकल ग्राफ है जैसे कि ये, इसमें जो है वो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर ये होता है भैया अपने पास VMP, ये क्या होता है VMP। ठीक है, और VMP और जो दूसरा अपने पास होता है आपको जो कौन कौन सा दे रखा है, एक तरीके से आपको दे रखा है रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एवरेज। ठीक है, तो इसमें VMP, फिर जो है वो जो VAverage आता है वो इसके जस्ट पास में आता है, VAverage इसके जस्ट पास में, और VRMS थोड़ा सा दूर होता है। तो इसमें VMP जो है वो नियरली इक्वल होता है किसके, VRMS के, और ये दोनों की वैल्यू जो है वो VRMS से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, ये अपने पास है VMP और सॉरी VAverage, ये दोनों जो है वो बराबर होते हैं, VRMS जो है वो ज्यादा आपको मिलता है। होता क्या है कि VMP ये है और VRMS जो है ना वो जस्ट इसके क्या होता है, पास ही आता है। यानी कि कहने का मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जितने मॉलिक्यूल्स के पास मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड होती है ऑलमोस्ट उतने ही मॉलिक्यूल के पास एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह जब दोनों ये इक्वल है तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1:1। ठीक, और फिर अगर मैं VRMS की बात करूं तो VRMS जो कितना होता है, अंडर द रूट 3RT/m। तो अब चेक करते हैं भैया, पहले दो का रेशियो 1:1 आना चाहिए और फिर बाद में रेशियो जो है वो इनसे क्या आएगा, 1 से ज्यादा ही आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या भैया, ये तो 1:1:1 ये आ सकता है 1:1:1.24 और ये वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें जो है 1:1.128 दे रखा है, और ये वाला भी पॉसिबल 1:1, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें जो है वो ऑप्शन अपने पास कौन सा जाएगा भैया, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया ये जो है ना ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में VMP और VAverage क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो ये अपने पास भैया क्वेश्चन नंबर 10। फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन है भैया JEE एडवांस 2020, अगेन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आपको जो एक क्वेश्चन दे रखी है, इन द थर्मोडायनेमिक्स द पीवी वर्क डन इज गिवन बाय W = -BdP दे रखा है या dVP दे रखा है, P एक्सटर्नल, और ये जो है आपको एक इक्वेशन दी है। और फिर आपको आगे ये पूछा है कि भैया यह समीकरण लागू होता है जब, यानी बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये कहां पर एप्लीकेबल होगी, आपको जो है वो ये पूछ रखा है। ठीक है, देखो चेक करते हैं कि कहां पर एप्लीकेबल होगी, कैसे एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, तो W = आपको देखो क्या दिया है, W = आपको गिवन है, ठीक है, माइनस, ठीक है, dV, और ये दिया है भैया RT, और V - B - A/V2, ये आपको एक इक्वेशन दी है। हमें ये पता है कि W = होता क्या है, ये होता है भैया P external delta V, W = P external delta V होता है, सॉरी -P external delta V होता है। तो माइनस ऑलरेडी है, इसका मतलब P external की वैल्यू क्या है, ये आपको P external की वैल्यू दे रखी है, कितनी, RT / V - V। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैन डेर वाल गैस कांस्टेंट जो रियल गैस होती है उसको शामिल करते हुए आपसे पूछा है P external जो है वो क्या है, इसके इक्वल है। अब भैया वैन डेर वाल गैस जो होती है या फिर रियल गैस जो होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या बनती है, P + A
एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, और यहां पर आता है वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये तो एन मोल के लिए, अगर एक मोल के लिए लिखूंगा तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये पी जो है वो क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। मैं काम करता हूं गैस का प्रेशर निकाल लेता हूं, तो पी गैस प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी। देखो जरा वी माइनस बी नीचे आ जाएगा, अब a अपॉन वी स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो गैस का प्रेशर जो है वो अपने पास क्या आ रहा भैया, आर टी अपॉन वी माइनस बी, ठीक है, और माइनस a अपॉन वी स्क्वायर। भैया देखो गैस के प्रेशर की वैल्यू ये आ रही है, और यहां से मैं बोल रहा हूँ p एक्सटर्नल की वैल्यू, p एक्सटर्नल की वैल्यू भी यही आ रही है। इसका मतलब क्या है, p गैस जो है वो p एक्सटर्नल के क्या है, इक्वल है। और भैया ऐसा केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे भैया, तो याद करो आप कि जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं या वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं, डेराइव करते हैं, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी है ना, कि भैया हम जो है वो क्या करते हैं यहाँ पर, कि मान लिया पिस्टन इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर है, फिर जो है वो पिस्टन जो है वो थोड़ा सा इसमें क्या हो गया भैया, डीएक्स का चेंज आ गया या वॉल्यूम में डीवी का चेंज आ गया, तो ये जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला वास्तव में ये आता है डब्ल्यू इक्वल टू पी गैस डेल्टा वी, ये अपने पास फॉर्मूला आता है। और पी गैस को हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि पी एक्सटर्नल इजी टू मेजर होता है, और यहाँ पर जो है वो ये पिस्टन को बहुत ही स्लाइटली नीचे किया जाता है, और धीरे धीरे धीमा चेंज जो है वो किसमें होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। तो पी गैस और पी एक्सटर्नल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये किसके लिए होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। तो भैया इस प्रोसेस को हम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में काम में ले सकते हैं, ये जो इक्वेशन है किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लागू हो सकती है। तो पहला बोल रहा है सिस्टम दैट सेटिस्फाई द वांडरवाल इक्वेशन फॉर स्टेट, बिल्कुल भैया ये जो है वो वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट लागू हो रही है इसमें, तो ये ठीक है। प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबेटिक हो, हम दोनों के लिए इसको काम में ले सकते हैं, रिवर्सिबल है ना, दोनों के लिए काम में ले सकते हैं, इररिवर्सिबल के लिए इसको काम में नहीं ले पाएंगे। तो ये जो हो रहा है प्रोसेस दैट इज इररिवर्सिबल एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसके लिए काम में नहीं आए। तो आंसर जाएगा कौन सा, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। तो भैया 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपको क्या बोल रहा है, कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है ए टू बी, और 1000 केल्विन पर एट टाइम टी डैश, ये इसकी बात कर रहा भैया टी डैश पर, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वाज इंक्रीज टू 2000, अचानक से टेम्परेचर सिस्टम का क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो बी का पार्शियल प्रेशर, पहले बी का पार्शियल प्रेशर कितना था, 10 था, और यहां तक देखो जरा कि यहां तक पार्शियल प्रेशर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब यहां तक इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, और फिर अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो भैया थोड़ी देर तक तो बी का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा फिर वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो वापस से जो है वो इक्विलिब्रियम यहां पर आके वापस से एस्टैब्लिश हो गया, यानी कि नया पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, 100, ठीक है। फिर आगे आपको बोला है कि 2000 एंड द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन एट 1 bar, एक का पार्शियल प्रेशर हमने चेंज नहीं किया। आगे बोल रहा है गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद टाइम, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट 1000 केल्विन टू दैट एट 2000 केल्विन, ठीक है भैया, 1000 केल्विन और 2000 केल्विन पर जो गिव्स एनर्जी चेंज है उसका रिलेशन क्या होगा। भैया बेसिकली हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर टी, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, या फिर अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी, और ये क्या आ जाएगा लॉग के पी, यही एक्सप्रेशन आता है अपने पास। तो भैया देखो जरा कि इसको डेल्टा जी वन बोल देता हूं, ये पहले टेम्परेचर टी वन और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो के पी क्या होगा, चेंज होगा। इसको मैं बोल देता हूँ जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड केस में डेल्टा जी नॉट टू इज इक्वल टू अगेन माइनस 2.303 आर, और ये टी टू और ये लॉग के पी टू, ये हो गई जी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, फर्स्ट बाय सेकंड जो होगा यही डेल्टा जी का क्या आएगा, रेशियो आएगा। तो भैया देखो 2.303 ये सारा कैंसिल हो गया, अपने पास जो रेशियो है ना डेल्टा जी नॉट वन अपॉन डेल्टा जी नॉट टू, ये आएगा कितना, टी वन बाय टी टू और log kp1 by log kp2, यही आएगा। तो t1 by t2 की वैल्यू तो है आपके पास, t1 भी है 1000, t2 कितना हो गया 2000 हो गया है ना, तो ये 1000 by 2000। अब देखो जी कि log kp1, तो ये मैं कैसे निकालूं, तो भैया देखो log
केपी वन। तो भैया पहले केपी कैसे निकालूंगा इस रिएक्शन के लिए, ए से बी, इसके लिए केपी निकालूंगा भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ऐसे निकालूंगा। तो आप इसको देखना जरा कि बी का पार्शियल प्रेशर पहले कितना था 10, ठीक है, और फिर जो है वो इसका पार्शियल प्रेशर अचानक से कितना हो गया 100 हो गया। तो इनिशियल कंडीशन में तो इसका 10 और इसका 1 यही है, ए का तो एक ही रखना है। जब टेम्परेचर अपने पास 1000 केल्विन है तो बी का पार्शियल प्रेशर 10, ए का 1, तो हमारे पास केपी 1 की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी आएगी, केपी 1 ये तो आएगा कितना 10, तो ये तो हो गया केपी 1 log 10 डिवाइड बाय log केपी 2। अब देखो अगेन पार्शियल प्रेशर बी का हो गया कितना 100, बी का हो गया 100, ए का कितना रहेगा 1, तो यहां पर कितना आएगा log 100, ऊपर log 10 नीचे log 100, log 10 की वैल्यू 1 log 100 की वैल्यू 2 और ये हो गया कैंसिल। तो अपने पास g1 / g2 g1 डेल्टा g0 1 / डेल्टा g0 2 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा भैया 1/4, और 1/4 का मतलब कितना हो गया रेशियो आपको जो है वो इंटीजर में लिखना था, तो इंटीजर में आंसर कितना लिखोगे 0.25 लिखोगे। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस 2020 का है, आपको बोल रखा है कि भैया एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर प्रोड्यूस एट 300 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर व्हेन 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 50 ml ऑफ 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड आर कंबाइंड फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में ये मोल कंसेप्ट से रिलेट करता है क्वेश्चन, यहां पर जो है उसको क्वेश्चन को नहीं होना चाहिए था वैसे, कोई बात नहीं फिर भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है इसको जो है वो आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई, एल्यूमिनियम की भैया रिएक्शन मैंने करवा दी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एल्यूमिनियम और ये रिएक्शन हो गई H2SO4। अब बोल रहा है भैया एल्यूमिनियम सल्फेट बना, तो ये तो अपने पास होता है जी एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, तो रिएक्शन को करता हूं बैलेंस, तो यहां पर 3 आएगा यहां 3 आएगा यहां पर कितना आ जाएगा 2, रिएक्शन हो गई जी बैलेंस। अब आपको बोल रहा है 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम, तो भैया सबसे पहले मेरे पास इसका गिवन है 5.4 ग्राम, मैं मोल चेक कर लेता हूं, तो गिवन मास अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना होता है 27 होता है, तो मोल मेरे पास आ गए कितने इसके 0.2, मेरे पास 0.2 ग्राम एल्यूमिनियम का है, 0.2 मोल एल्यूमिनियम का है, फिर H2SO4 का जो है वो 5 मोलर है 50 ml, तो इसके मैं मोल निकाल लेता हूं, तो मोल होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी जो है वो आपको दिया कितनी 5 और वॉल्यूम दे रखा है कितना 50 डिवाइड बाय 1000 क्योंकि वॉल्यूम ml में गिवन है, ये आएगा 20, ये आ जाएगा कितना 0.25, तो 0.25 मोल मेरे पास आए H2SO4 के और 0.2 मोल मेरे पास आ गए किसके एल्यूमिनियम के। अब भैया देखो जरा कि लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा आपको जो है वो दोनों में, इसके 0.2 है इसके 0.25 है, दोनों के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करूंगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन ये आएगा 0.1, यहां पर गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन जो है वो अपने पास कितना है 3, ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं, तो भैया ये अपने पास आ जाएगा कितना 0.1 से तो क्या आएगा कमी आएगा है ना, तो भैया 0.1 से कम आएगा, तो H2SO4 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो आपको पूछा कितना हाइड्रोजन बनेगा, तो भैया इसके 3 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं 3 मोल बनते हैं, तो इसके 1 मोल से उसका 1 मोल बनेगा, तो इसके 0.25 मोल से हाइड्रोजन का कितना मोल बनेगा भैया 0.25 मोल ही बनेगा है ना, तो मतलब मेरे पास ओवरऑल हाइड्रोजन का मोल निकल के आ गया कितना 0.25। अब मुझे तो क्या पूछा है इसका वॉल्यूम पूछा है और वो भी लीटर में, तो अब देखो टेम्परेचर आपको दे रखा है 300, प्रेशर दे रखा 1 एटीएम, तो एक काम करता हूं वॉल्यूम निकालने के लिए मैं PV=nRT लगा देता हूं, तो ये PV=nRT लगा देता हूं, तो देखो जरा वॉल्यूम पूछा है n की वैल्यू 0.25, r की वैल्यू जो है वो कितनी लूंगा 0.082, और टेम्परेचर जो है वो 300, प्रेशर जो है वो कितना दे रखा है 1 दे रखा, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 6.15 लीटर, ठीक है, तो ये है अपने पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है अपने पास जेईई एडवांस 2020 और क्वेश्चन जो है ये बिलोंग करता भी है थर्मोकेमिस्ट्री से, आपको ये बोल रखा है टिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम कैसिटराइड बाय रिडक्शन विद कॉक यानी कि कैसिटराइड SrO2, इसका जो है वो आपने क्या किया कॉक यानी कार्बन ग्रेफाइट के साथ रिडक्शन करवाया तो SN मिला आपको, फिर द डेटा गिवन बिलो, यूज द डेटा गिवन बिलो
to determine the minimum temperature at which the reduction of cassiterite by coke would take place. ठीक है, तो आपको जो है वो इन डेटा को काम में लेना है. डेटा आपको देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, एंट्रोपी दे रखी है, तो इन डेटा को काम में लेते हुए आपको जो टेम्परेचर रिएक्शन का निकालना है. तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं भैया कि किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे हमारे पास रिएक्शन यहां पर ये है कि SNO और ये कार्बन, SNO सॉलिड होता है, ये कार्बन ग्रेफाइट की बात कर रहा है. ठीक है, ये कार्बन ग्रेफाइट है और जब रिएक्शन होगी तो SN ये सॉलिड बनेगा और साथ में CO2 क्या बनेगी, गैस बनेगी. अब इस रिएक्शन के लिए जब हम एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं डेल्टा आर एस नॉट, तो ये हमारे पास होती है डेल्टा आर एच नॉट बाय टी. और अगर मेरे को टेम्परेचर निकालना है तो दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए हीट ऑफ रिएक्शन, दूसरा टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन. ये दो चीजों की आपको जरूरत पड़े. तो भैया सबसे पहले मैं हीट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं. तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भैया, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम ये काम करेंगे. तो भैया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड एक तो CO2 है, तो भैया CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है -394. तो भैया ये दे रखा माइनस का 394. फिर SN, SN अपनी थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में है और किसी भी एलिमेंट की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो जीरो होती है, तो SN की जीरो माइनस. फिर कार्बन ग्रेफाइट अगेन अपनी थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में जीरो. फिर SNO की, SNO के लिए अगर आप देखोगे तो ये आपको दे रखा है 50. SNO की हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखी है भैया माइनस का 581. तो ये आपको दे रखा है माइनस का 581. तो इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जब मैं निकालूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा 581 माइनस 394 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 187 किलो जूल. ठीक है, तो डेल्टा आर एच की वैल्यू आ गई. अब डेल्टा एस की वैल्यू निकालता हूं, तो डेल्टा आर एस नॉट सेम टू सेम मैं क्या बोलूंगा कि टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही करेंगे. तो भैया प्रोडक्ट साइड कौन कौन है, एक तो CO2 है, तो CO2 के लिए आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है. CO2 के लिए आपको दे रखी कितनी, 210. तो CO2 की तो है 210 प्लस. फिर SN, तो SN सॉलिड की आपको जो है वो एंट्रोपी दे रखी है कितनी, 52. SN की 52 क्वेश्चन में जो डेटा दिया बस उनको काम में लो. माइनस फिर आपको जो कार्बन ग्रेफाइट, तो कार्बन ग्रेफाइट के लिए दे रखी है कितनी, 6. और एक SNO, तो SNO के लिए दे रखी है कितनी, 56. तो ये अपने पास कितना हो गया, 262. और ये ओवरऑल कितना हो गया, 62. तो भैया ये कितना आएगा, ये आएगा 200. ठीक है, और यूनिट आएगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, और इसकी जो यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, किलो जूल. तो भैया टेम्परेचर अगर मेरे को निकालना है तो टेम्परेचर हो जाएगा 187 और ये किलो में है तो 1000 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या आ जाएगा, 200. यानी कि इसको सॉल्व करूंगा तो रिएक्शन का टेम्परेचर कितना आएगा, ये आएगा जी 935 केल्विन. ये अपने पास रिएक्शन का टेम्परेचर निकल के आएगा. तो भैया ये था अपने पास. उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए होंगे. और अब 2016 से 2020 तक के थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और गैस स्टेट के जितने भी क्वेश्चन है इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा. तो अब तक अगर आपने सीएलसी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे की सारी सीरीज आपको सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी. तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू.